आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलिसी बाजार एप्लीकेशन क्या है, या फिर कह सकते हैं policybazaar.com क्या है, इसके अंदर कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड होता है, साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग किस तरीके से हर टाइप का इंश्योरेंस कर सकते हैं, दूसरे को करवा सकते हैं, सब कुछ आपको मैं लाइव प्रूफ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो है पॉलिसी बाजार एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको इसमें कुछ नहीं देना है, बस अपना जो है मोबाइल नंबर दे करके इसको लॉगिन करना है। बात करें पॉलिसी बाजार एप्लीकेशन को आप कहां से डाउनलोड करेंगे, तो पॉलिसी बाजार एप्लीकेशन को आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें यहाँ पे policybazaar.com के अंदर कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है, तो पहला सर्विस ये रहता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस, आप इससे इंश्योरेंस कर सकते हैं। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, गारंटेड रिटर्न कर सकते हैं, कार इंश्योरेंस अपना कर सकते हैं, 1 करोड़ हेल्थ कवर कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 व्हीलर इंश्योरेंस भी करते हैं, सपोज प्लान भी कर सकते हैं, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस वुमेन के लिए ये भी कर सकते हैं। यानी कि इतनी सारी जो है सर्विस प्रोवाइड करता है policybazaar.com के अंदर। तो सबसे पहले मैं यदि देखना चाहूँ कि मैं एक जो है इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस पे सिंपली क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट मेंबर डू यू वांट टू इंश्योरेंस, आप किस मेंबर के लिए अपना जो है इंश्योरेंस करना चाहते हैं। तो मैं सेल्फ के लिए करना चाहता हूँ, तो सेल्फ पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कितना उम्र है आपका, तो मेरा उम्र है 25 साल, तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको अपना सिटी का नाम डालना है, तो चलिए मैं अपना सिटी का नाम डाल देता हूँ। सिटी का नाम डालने के बाद जो है इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा मेडिकल हिस्ट्री, डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग इलनेस फॉर एनी टेकिंग रेगुलर मेडिसिन, तो मैं अभी तक किसी प्रकार का मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, तो नन ऑफ दिस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है इसको थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा इसका इंटरफेस। तो यहाँ से देख सकते हैं जो आपका कितने रुपया मंथली पड़ेगा और कितना आपको मिलेगा, ये सारा डाटा आपको खुलेगा यहाँ पे। तो एक बार हम इसको ओपन होने देते हैं और आपको सारे के सारे चीज़ अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटरफेस ओपन हो चुका है और पहला जो इंश्योरेंस खुल के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्टिमा सिक्योर। तो ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर जो मेरा अमाउंट लगेगा वो लगेगा 649 रुपया पर मंथ, और ये अमाउंट कवर करेगा 5 लाख का। और भी नीचे जब इस तरीके से जाएंगे तो दूसरा जो आता है वो आता है केयर सुप्रीम डायरेक्ट, इसमें जो मंथली जो हमें देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 615 रुपया, और ये कवर अमाउंट कितना है 5 लाख रुपया, ये हमें इंश्योरेंस के टाइम देगा। तीसरा आता है मैक्स सेवर 2.0, इसमें जो मंथली हमें देना है वो देना 780 रुपया पर मंथ, और ये कवर अमाउंट करता है 1 करोड़ का जो है अमाउंट कवर करता है। इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो और भी आपको इस तरीके से इंश्योरेंस दिखेगा, तो कोई भी एक सेलेक्ट करके जो है आप अपना घर बैठे इंश्योरेंस कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने अभी दिखाया कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अब दूसरा जो सर्विस ये प्रोवाइड करता है इसके अंदर भी हम लोग जाते हैं, तो दूसरा सर्विस जैसे कि आप जो है इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आपका है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर मैं क्लिक करता हूं तो मेरा नाम आ गया अजय कुमार शाह और मैं अपना प्लान देखता हूं। तो प्लान के अंदर जैसे हमने क्लिक किया, अब ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे प्लान अभी ओपन होगा, उसको सिलेक्ट करके किस तरीके से हम पैसा जमा करेंगे ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि अभी जो है मेरा जो हमने डाला था वो आ चुका है, उसका इंटरफेस खुल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा इन्वेस्टमेंट का प्लान खुल चुका है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट यदि मैं 10,000 पर मंथ जमा कर रहा हूँ, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, और विड्रॉल आफ्टर 20 साल, यानी कि यदि मैं 10,000 पर मंथ जमा कर रहा हूँ 10 साल के लिए और उसको मैं निकालूंगा, जो विड्रॉल होगा पैसा निकलेगा 20 साल के बाद, तो कितना निकलेगा वो देखिए। पहला जो आता है टाटा AIA, इसमें जो है 16.1% का रिटर्न है, लमसम पे आउट जो मुझे मिलेगा 20 साल के बाद, यदि मैं 10,000 रुपये तक अभी 10 साल तक जमा करता हूँ
तो मिलेगा 1,32,00,000 रुपये। इसी तरीके से नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे आदित्य बिरला कैपिटल, इसका जो रिटर्न है 15.3% का, इसमें जो लमसम पे आउट है 1.18 CR है, यानी कि 1,18,00,000 रुपया है। तो इसमें क्या करना होता है कि आप जो है 10,000 रुपया पर मंथ जमा कीजिए 10 साल तक, लेकिन आपका पैसा निकलेगा 20 साल में। तो ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान है इसको आप घटा भी बढ़ा भी सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ इसको 5,000 करके, यदि मुझे जमा करना है तो इसको क्लिक डन पे क्लिक किया तो 5,000 करके पर मंथ मैं जमा कर रहा हूँ 10 साल तक, और उसको मैं निकालूंगा 20 साल के बाद तो कितना निकलेगा उसका डाटा को हम लोग देखते हैं। तो यदि मैं 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहा हूँ टाटा AIA के अंदर, उसका रिटर्न है 16%, तो लमसम जो पे आउट होगा वो होगा 65,20,000 रुपया। तो ये जो है पहला 5 साल तक हमें, सॉरी 10 साल तक हमें पेमेंट करना है, 10 साल के बाद हमें और पेमेंट नहीं करना है, लेकिन विड्रॉल जो होगा वो 20 साल के बाद होगा। यदि आप इसमें डालना चाहते हैं पैसा तो गेट डिटेल्स के अंदर जा करके आप जो है इंस्टॉलमेंट का पैसा को भरना है और किस तरीके से काम होगा ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मैं बैक की ओर जाता हूँ और यहाँ पे तीसरा जो सर्विस प्रोवाइड करता है इस तरीके से कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस, तो इस एप्लीकेशन से आप अपने गाड़ी का कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। तो आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है पैसा बाजार एप्लीकेशन के साथ आप अपना जो है हेल्थ इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।